दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप की। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में इसका नाम आता है। अगर हम लोग इसको ऑनलाइन चेक करना चाहें तो इस वक्त भी ये वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर मौजूद है। अच्छा, ये जो जितनी भी इस वक्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है ये सब फ्री हैं और ये ऑनलाइन है। चलिए हम लोग इसकी डिटेल्स को मज़ीद डिटेल को देख लेते हैं। तो हम ये चीज़ देख लेते हैं ये कोर्सेज किस तरह के ऑफर कर रही है। ये फर्स्ट आर्ट एंड डिज़ाइन में दे रही है, बिजनेस के कोर्सेज हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, डेटा साइंस के हैं, एजुकेशन एंड टीचिंग के हैं, हेल्थ एंड मेडिसिन के भी हैं कोर्सेज, ह्यूमैनिटीज़ के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, प्रोग्रामिंग के हैं, साइंस के हैं और सोशल साइंस के हैं। इनके टोटल इन जो है सब्जेक्ट के मुताबिक इन्होंने 100 कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाले। चलें जी, अब हम लोग देख लेते हैं सबसे अहम चीज़ जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि इन जो फ्री स्कॉलरशिप कोर्सेज हैं यानी जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हमें दे रही है उनको हम लोग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या कुछ चाहिए। उसके लिए मस्ट बी इंटरनेशनल स्टूडेंट फ्रॉम एनी कंट्री, यानी सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट होना चाहिए किसी भी कंट्री के। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट क्या होता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो अपना मुल्क को छोड़ कर किसी और मुल्क में जाकर स्टडी करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल यूएसए के स्टूडेंट हैं और वो यूएसए में एजुकेशन ले रहे हैं, जब वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि उनके पास जो नेशनलिटी है वो यूएसए की है। अब जिस तरह कोई भी नेशनलिटी होल्डर हो वो अपना कंट्री के अलावा दूसरे कंट्री में जाएगा तो वहाँ पे उसके पास उसकी नेशनलिटी नहीं होगी, लेकिन वहाँ पे वो स्टडी कर रहा होगा तो वो जो होगा स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट बन जाएगा। तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज हैं वो है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए हैं। अच्छा, ये कैन बी यूरोपीय यूनियन नेशनल, यानी कोई भी यूरोपीय यूनियन नेशनल भी हो सकता है ये इंटरनेशनल स्टूडेंट। ये लाजमी नहीं है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हों, इसमें यूरोपीय यूनियन नेशनल भी हो सकते हैं। और इसके लिए जो एज लिमिट, कोई भी एज लिमिट है, किसी भी एज का स्टूडेंट हो लेकिन उसके लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट होना ज़रूरी है तो वो इसको ज्वाइन कर सकता है। अब एप्लीकेंट जो है ऑफ स्कूल हाई डिग्री ग्रेजुएट एनी क्वालिफिकेशन कैन बी अप्लाई, यानी कि कोई भी क्वालिफिकेशन हो उसके पास वो इस डिग्री इस जो है स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अप्लाई कर सकता है। चलें दोस्तों, अब हम लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वहाँ पे आ चुके हैं। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जी कोर्सेज को, कि यहाँ पे जो पहले यहाँ पे सब्जेक्ट का बारे में मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे जो हमारे पास सब्जेक्ट है आर्ट एंड डिज़ाइन है, बिजनेस है, जिनको हम लोग पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट हैं, आपने अपने जो आपकी स्टडी है उसके मुताबिक उस सब्जेक्ट वगैरह को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो ट्रेनिंग कुछ कोर्सेज हैं जो इस वक्त ट्रेनिंग पे चल रहे हैं, उसमें जो है प्रोग्रामिंग का कोर्सेज है वो इस वक्त ट्रेनिंग पे है, उसके बाद पैथन फॉर रिसर्च पे ट्रेनिंग पे है, और CES50 इंट्रोडक्शन टू गेमिंग गेम डेवलपमेंट ये भी ट्रेनिंग पे है। और ये सब कोर्सेज फ्री हैं और अवेलेबल हैं, इनको हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उनके साथ यहाँ पे इनके ड्यूरेशन भी लिखे हुए हैं, यानी कि ये 12 वीक का कोर्स है, ये 5 वीक का है और ये 12 वीक का है। और यहाँ पे अगर आप अपने ईमेल दे देंगे तो ये कोर्सेज के अपडेट आपको भेजते रहेंगे। और अब जो न्यू कोर्स इन्होंने रेसमी ऐड किए हैं वो भी कुछ इस अंदाज में है। तो यहाँ पे आपने देख लेना है कि अगर यहाँ पे कास्ट लिखे हो तो उनको आपने ज्वाइन नहीं करना। जिस तरह ये है $1,600 जो है, ये तकरीबन 2 से 2-1 लाख बनती है इसकी प्राइस इस वक्त। लेकिन ये जो फ्री कोर्सेज हैं इनको आपने ज्वाइन करना है और ये सब फ्री हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं। और बाकी ये कोर्सेज कुछ अभी स्टार्ट होने वाले हैं। एनीवे, इसका मैं जो लिंक है वो भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के अंदर, तो वहाँ पे आपने क्लिक करके इनको देख लेना है कोर्सेज को। अगर इसके आप अगर एलिजिबल क्राइटेरिया पे आते हैं तो लाजमी ज्वाइन करें क्योंकि ये वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे मौजूद है इस वक्त यूनिवर्सिटी। तो हाई क्वालिफाइड कोर्सेज आप ले लेंगे, अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेशन आ जाएगी तो ये बहुत ही वैल्यूबल चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा आपने इल्मा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपके पास इस तरह अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मिलती रहे और आप उनसे फ़ायदा उठाते रहें। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अपना ख्याल रखें।